वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस एपीसोड विच असी जानांगे जमान शाह बारे। शाहजहान तैमूर का छोटा पुत्र सी। जमान बड़ा उत्साही ते अगांहवधू नौजवान सी। तैमूर दे देहांत पिछों उसके वड्डे पुत्र हमायूं ने अपना हक जताया ते अपने बादशाह होण दा ऐलान भी कर दिता, पर फौजां ने उसनू कमजोर आगू समझ के स्वीकार ना किया। फौजां अपना भविखत जमान खान दे हाथ ही सुरक्षित समझदियां सन। फौजां ने हमायूं दी थां जमान नूं अपना जरनैल मिथ लिया ते बादशाह होण दा ऐलान कर दिता। तखत ते बैठण वेले जमान दी उम्र 23 साल दी सी। जवानी दा खून उसनूं अगांहवधू नीति अपनाण लई प्रेर रिहा सी। तखत उत्ते बैठदे सार ही उसने अपने पिता तैमूर दी नीति छड्डण दा ऐलान किया ते अपने दादे अहमद शाह अब्दाली वाली पंजाब ते हमला करू नीति नूं अपनाउण दा फैसला सुना दिता। हमला करू नीति अपनाउण नाल अफगानिस्तान दे लोकां दी आम हमायत उस नाल हो गई। जो अफगान तैमूर दा साथ इस करके नहीं सन दिंदे कि उस पंजाब ते सीधा हमला क्यों नहीं सी कीता, वह इस नीति दे ऐलान नाल ही हमायत ते आ खड़ोते। जमान शाह दी इह नीति अपनाउण दे कई कारण सन। सब तो पहला ते वड्डा कारण यह सी कि उत्साही नौजवान सी ते अपने बाप दी नीति नूं कमजोर ते अफगान मारू नीति गिणदा सी। वह अहमद शाह अब्दाली दा हम ख्याल सी कि जे कोई ताकत पंजाब नूं अफगान साम्राज नालों तोड़ना चाहुंदी है तां उसदा टाकरा करना जरूरी है। नाल ही वह यह भी ख्याल करता सी कि पंजाब उत्ते सिखां दा कब्जा अफगाना दी अणख नूं वंगार है। दूसरे वह अपने दादे वांग हिया भरी विदेश नीति, जिसनों कहिंदे स्पिरिटिड फॉरन पॉलिसी दा हामी सी, उस उत्ते टुरन विच ही वह साम्राज की होंद समझदा सी। तीसरे उसने हमायूं कोलों तखत एक प्रकार का खोह के लिया सी ते उह समझदा सी कि उभार नीति अपनाउण नाल ही अफगानिस्तान विच माण प्राप्त कर सकदा सी। तखत दा योग वारिस गिणिया जाए इसलिए यह पंजाब ते हमला करन वाली नीति सब तो वध सहायता कर सकती सी। चौथे पंजाब तो इलावा होर कोई ऐसा इलाका नहीं सी जिथे हमला करू नीति नूं अमली जामा पहनाया जा सके। ईरान दा शाह इतना मजबूत सी कि उस नाल टाकरा लेना अफगान साम्राज नूं महंगा पैना सी। पंजाब ते अजे तक एक सरदार दा कब्जा नहीं सी ते जमान अपनी ताकत दा बहुत माण करदा सी। पंजवें दिल्ली तो भज गए शहजादा मिर्जा एहसान बखत ने हिंदुस्तान की बिगड़ी हुई राजनीतिक दशा नूं दस्या ते सुझाव दिता कि हमला करन विच जमान नामणा दे नाल नाल धन दौलत भी कमाएगा। जमान शाह समझ गया कि हमला करना उस लई हर पास्यों ही लाहेवंद साबित होएगा। अगले एपीसोड विच जाणांगे कि उसने किवें पंजाब ते पहला हमला किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।